हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर रामेश्वरी बंजारा, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री, राजीव गांधी गवर्नमेंट पीजी कॉलेज, अंबिकापुर। आज मैं आप लोग को कॉन्फिग्रेशनल मॉडल सिस्टम के बारे में बताने जा रही हूँ। कॉन्फिग्रेशनल मॉडल सिस्टम क्या होता है और इसके टर्म्स क्या होते हैं? तो इसके टर्म्स के बारे में हम सबसे पहले जानेंगे, इंटरनल कन्वर्जन क्या होता है, इंटर क्रॉसिंग सिस्टम क्या होता है इत्यादि। जैसे कि डायटॉमिक मॉलिक्यूल होते हैं, डायटॉमिक मॉलिक्यूल जब अपने ग्राउंड स्टेट में होते हैं तो ग्राउंड स्टेट में कुछ इस प्रकार से अपना स्पिन मल्टीप्लिसिटी जो है प्रदर्शित करते हैं। ये युग्मित होते हैं, इसलिए इसका स्पिन मल्टीप्लिसिटी का वैल्यू जो होता है वह जीरो होता है। लेकिन जब ये एक्साइटेड स्टेट में आते हैं तो एक्साइटेड स्टेट में, जैसे कि यहाँ पर ग्राउंड स्टेट है, ग्राउंड स्टेट और ये ऊपर के जो स्टेट हैं इसके एक्साइटेड स्टेट कहलाते हैं। अब हम दो अवस्था देखते हैं। पहला हम देखते हैं पैरेलल स्टेट और दूसरा हम देखते हैं एंटी पैरेलल। तो एंटी पैरेलल स्टेट और एंटी पैरेलल स्टेट में क्या होता है? जब ये मॉलिक्यूल एक्साइटेड होते हैं, जब इनको एनर्जी प्राप्त होती है, तो ये अपने ग्राउंड स्टेट से ये हायर स्टेट पे क्या हो जाते हैं, एक्साइट होकर चले जाते हैं। तो जब एक इलेक्ट्रॉन जो है एक्साइटेड होकर अपने हायर लेवल पर चला जाता है, जैसे इस प्रकार से, तो क्योंकि इसका जो स्पिन का डायरेक्शन है एक जैसा है, इसीलिए हम इसको पैरेलल स्टेट कहते हैं। जबकि एंटी पैरेलल स्टेट में क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होता है उसका स्टेट किस प्रकार से होता है, तो इसे जो स्टेट होता है एंटी पैरेलल स्टेट में, इसकी जो स्पिन जो होती है वो इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होकर हायर एनर्जी लेवल पर जाते हैं। तो हम इसकी वैल्यू को, इसकी स्पिन मल्टीप्लिसिटी को हम कैसे 2s + 1 के फॉर्मूले से हम निकाल लेते हैं। तो 2s + 1 के लिए हम देखते हैं पैरेलल कंडीशन के लिए। पैरेलल कंडीशन में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन जो होते हैं एक ही डायरेक्शन में स्पिन करते हैं, जबकि एंटी पैरेलल में क्या होता है, अपोजिट डायरेक्शन में स्पिन करते हैं। तो पैरेलल के लिए 2s + 1 की वैल्यू क्या होती है, क्योंकि ये पैरेलल होते हैं इसलिए s1 की वैल्यू जो होती है वह +0.5 होगी, जबकि s2 की वैल्यू भी हो +0.5 होगी। तो इस केस में 2s + 1 की वैल्यू क्या होगी, हम देख लेते हैं, s = +0.5 + 0.5, तो दोनों की वैल्यू 1 होती है, इसीलिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, 2 × s + 1 करेंगे, 2s की वैल्यू 1 है तो यहाँ रख देंगे 1, देन 1, तो ये हो गया 3। तो इसे हम कहेंगे ट्रिपलेट एक्साइटेड स्टेट, ट्रिपलेट एक्साइटेड स्टेट। अब हम देखते हैं एंटी पैरेलल के लिए क्या होता है। जो इसका स्पिन का जो मल्टीप्लिसिटी रहेगा 2s + 1 के रूल को ही फॉलो करेगा, लेकिन यहाँ पर s2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। अब हम जब इसे निकालेंगे, स्पिन मल्टीप्लिसिटी को निकालेंगे, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ पर इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। अब 2s + 1 के फॉर्मूले में इसकी वैल्यू पर रखेंगे तो 1 पे यहाँ पर रख देंगे 0, तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, देन 1, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 1। तो हम इसे कहेंगे सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट। सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट को हम यहाँ पर लिख लेते हैं, सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट। तो सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट को हम जो ग्राउंड स्टेट है उसको s0 और उसके ऊपर का जो एनर्जी लेवल है उसे s1, s2, s3 एंड सो ऑन से हम प्रदर्शित करते हैं। वैसे ही ट्रिपलेट एक्साइटेड स्टेट के लिए हम क्या करेंगे, t1, t2, t3 इत्यादि हम लिखते हैं, क्योंकि और भी एनर्जी लेवल क्या होती है इसमें पॉसिबल होती है। क्योंकि हमेशा क्या होता है, सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट में इसके जो एटम होते हैं इनकी एनर्जी जो होती है वह ट्रिपलेट एक्साइटेड स्टेट की अपेक्षा अधिक होती है। ट्रिपलेट एक्साइटेड स्टेट में क्या होता है, क्योंकि उसमें पैरेलल स्पिन होता है, पैरेलल स्पिन होने के कारण क्या होते हैं, ये एक दूसरे को रिपल्सन करते हैं, तो दूर दूर रहने की कोशिश करते हैं, तो रिपल्सन होने के कारण इनकी जो एनर्जी है वह कम हो जाती है। लेकिन जो सिंगलेट स्टेट होता है उसमें एंटी पैरेलल स्पिन होती है, जिसके कारण ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं और इसकी एनर्जी उनसे अधिक होती है। तो हम इनके एनर्जी लेवल को
कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं, E S1 is greater than E T1, E S2 is greater than E T2 and so on. तो हमेशा सिंगलेट स्टेट की जो एनर्जी होगी वह ट्रिपलेट एक्साइटेड स्टेट की एनर्जी से अधिक होगी. अब क्योंकि जो एटम होते हैं, एटम के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, वह एक्साइटेड होकर अपने हायर एनर्जी लेवल पर जाते हैं. तो इसके हायर एनर्जी लेवल को हम डायग्राम से समझ जाते हैं कि S जीरो सिंगलेट ग्राउंड स्टेट है ये, उसका हायर एनर्जी लेवल कुछ इस प्रकार से होता है. इसे हम कहेंगे S1, इसे कहेंगे S2, इसे कहेंगे S3. इसी प्रकार हम ट्रिपलेट एक्साइटेड स्टेट के लिए भी ले लेते हैं. ये हमारा होता है T1, T2 और ये T3. तो जब इलेक्ट्रॉन ग्राउंड लेवल से एक्साइटेड होकर ऊपर चला जाता है S1 पर, S2, S1 से S2 पर, S0 से फिर S3 पर जाता है. तो जब एक्साइटेड होकर जो एब्जॉर्ब एनर्जी एब्जॉर्ब करने के बाद में वह एक्साइटेड स्टेट पर जैसे जैसे जाता है, लेकिन कुछ देर बाद वह अपने ग्राउंड स्टेट पर वापस आता है. तो जब वह अपने ग्राउंड स्टेट पर वापस आता है तो पहला S3 से S2 पर आएगा. इसे हम कहते हैं इंटरनल कन्वर्जन, इंटरनल कन्वर्जन. फिर ये S2 से S1 पर आएगा, इसे भी हम कहेंगे इंटरनल कन्वर्जन. फिर ये S1 से जब S0 पे आता है तो इस अवस्था में फ्लोरोसेंस की घटना होती है, जिसे हम अभी समझेंगे फ्लोरोसेंस. तो इंटरनल कन्वर्जन हमने देखा कि सेम एटॉमिक स्टेट से, सेम मल्टीप्लिसिटी से इलेक्ट्रॉन के वापस आने की अवस्था को ही हम इंटरनल कन्वर्जन कहते हैं. जबकि जब यह S2 से, जैसे S3 से ये S T3 पे, S3 से T3 पे आ गया, S2 से T2 पर आएगा, और जब यह S1 से T1 पे आएगा, देन T1 से फिर S0 पर आएगा. तो इसे हम कहते हैं इंटर क्रॉसिंग सिस्टम. इसे पूरी अवस्था को हम कहेंगे इंटर क्रॉसिंग सिस्टम. इसे भी हम कहेंगे इंटर क्रॉसिंग सिस्टम. लेकिन जब वह S1 से T1 पर जाता है, मतलब सिंगलेट स्टेट से ट्रिपलेट स्टेट वन से फिर से ग्राउंड स्टेट S0 पर आता है, वैसे तो T1 से S0 पर आना पॉसिबल नहीं है, लेकिन फॉस्फोरेसेंस की घटना एक एक्सेप्शन है, जिसमें T1 से S0 पर इलेक्ट्रॉन पहुंच जाते हैं, अपने ग्राउंड लेवल पर आ जाते हैं, और इस अवस्था में फॉस्फोरोसेंस की घटना होती है, फॉस्फोरेसेंस. तो इसे हम फॉस्फोरेसेंस कहते हैं. फ्लोरोसेंस की अवस्था क्या होती है? रेडिएटिव प्रोसेस होती है. फ्लोरोसेंस और फॉस्फोरोसेंस दोनों ही रेडिएटिव प्रोसेस में आते हैं. जबकि इंटरनल कन्वर्जन में क्या होता है? इंटरनल कन्वर्जन में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन होते हैं, जैसे ही अपने एक्साइटेड स्टेट पर जाते हैं, उनकी जो इलेक्ट्रॉन है दूसरे अणुओं से टकराकर उनकी ऊर्जा में क्षति हो जाती है, और ऊर्जा में क्षति होने के कारण अपनी ऊर्जा को वो खो देते हैं और किसी केमिकल रिएक्शन में परिवर्तित नहीं हो पाते. तो इस अवस्था में जब वो केमिकल रिएक्शन में परिवर्तित नहीं होते हैं तो उनकी ऊर्जा ऊष्मा के रूप में निकल जाती है और उससे प्रकाश उत्पन्न नहीं होता, जिसे हम कहते हैं नॉन रेडिएटिव प्रोसेस. तो नॉन रेडिएटिव प्रोसेस हम इसे कहेंगे नॉन, या इसे रेडिएशन लेस प्रोसेस भी कहते हैं. तो नॉन रेडिएटिव प्रोसेस. जबकि S1 से S0 पर आती है, जब जो इलेक्ट्रॉन है जब वापस ग्राउंड स्टेट में आती है, तो जो उसकी जो ऊर्जा जो बची होती है वह फ्लोरोसेंस एक प्रकाश के रूप में उत्पन्न होती है, जिसे हम फ्लोरोसेंस कहते हैं. ये घटना होती है 10^-11 और 10^-8 - 11 सेकेंड में होती है, जिसे हम फ्लोरोसेंस कहते हैं. जबकि जो फॉस्फोरेसेंस की घटना जो होती है वह 10^-3 सेकेंड में होती है, और इस क्योंकि ये इससे ज़्यादा लंबे समय में होती है, इसीलिए ये फॉस्फोरेसेंस की अवस्था में जो लाइट जो होता है, लाइट का मिशन जो होता है वह लगातार होते रहता है, जबकि फ्लोरेसेंस की अवस्था में लाइट एक बार जो उत्पन्न होती है, इमिट होती है, उसके उत्पन्न होने के पश्चात वह दोबारा या लंबे समय तक जो रेडिएशन जो है वह उत्सर्जित नहीं करती है, जबकि फॉस्फोरेसेंस में लंबे समय तक ऊर्जा उत्सर्जित
होते रहती है। तो हम समझ गए कि जो इंटरनल कन्वर्जन क्या होता है, इंटर क्रॉसिंग सिस्टम क्या होता है। तो नॉन रेडिएटिव प्रोसेस दो प्रकार के होते हैं, एक तो इंटरनल कन्वर्जन और दूसरा इंटर क्रॉसिंग सिस्टम। इंटरनल कन्वर्जन सेम मल्टीप्लिसिटी से वापस आना, जबकि इंटर क्रॉसिंग सिस्टम में डिफरेंट मल्टीसिटी से, जैसे कि S3 से T3, S2 से T2, जबकि S1 से T1 पे आना ही इंटर क्रॉसिंग सिस्टम कहलाता है। तो हम कॉन्फ़िगरेशनल मॉडल सिस्टम में कुछ इसी प्रकार के एग्जांपल को देखेंगे। इसमें ऐसा ल्यूमिनेसेंस पार्टिकल होता है या पदार्थ होता है जिसे हम लेते हैं, जिनका इंटरनल न्यूक्लियर डिस्टेंस पर हम उसके सेंटर से उसे लेते हैं और उनकी दूरी को अलग अलग वाइब्रेशनल लेवल पर, एनर्जी लेवल पर रखकर उसको देखते हैं और उनका अध्ययन करते हैं। जैसे कि ये हमारा एनर्जी पोटेंशियल डायग्राम है, तो यहाँ जो हमारा एनर्जी पोटेंशियल है कुछ इस प्रकार से है। ये वाइब्रेशनल लेवल हैं, अलग अलग वाइब्रेशनल लेवल हैं। ये V0 वाइब्रेशनल लेवल ग्राउंड स्टेट को शो करता है। यहाँ पर ये R इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस को दिखाता है, V0, V1, V2, V3 इत्यादि। तो ये अलग अलग इनके क्या है, सेंटर है, ये पोटेंशियल एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी है, ये इनका इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस है। तो यहाँ ल्यूमिनेसेंस सेंटर है, तो ल्यूमिनेसेंस सेंटर में क्या होता है, एक जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, ग्राउंड स्टेट से एक्साइट होकर अपने एनर्जी लेवल पर, अधिक एनर्जी लेवल पर वो जाते हैं, जिसे हम इस तरीके से ड्रॉ करके देखते हैं। यहाँ ए है, ये डी है। जबकि जब मॉलिक्यूल एक्साइट होकर ऊपर जाता है तो यहाँ से एक्साइटेड होकर वह बी पे जाता है, तो ये यहाँ पर सी है। और फिर उसके बाद में ऊर्जा को उत्सर्जित करते हुए वह सी पर आता है, और उसके बाद में ऊर्जा को फिर से उत्सर्जित करते हुए डी पर या ए पर आ जाता है। तो इस अवस्था में क्या होता है, इनके जो अणु जो होते हैं, जब ये जैसे ही एक्साइटेड स्टेट पर जाते हैं, उनमें तीव्र गति से अभिक्रिया होती है और ये एक कोलिजन होता है, और कोलिजन के दौरान इनमें ऊर्जा की क्षति हो जाती है, और ऊर्जा की क्षति जैसे ही होती है ये प्रकाश में परिवर्तित नहीं हो पाते हैं और इनका वाइब्रेशनल एनर्जी जो है लॉस हो जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, नॉन रेडिएटिव प्रोसेस कहते हैं। मतलब ऊर्जा का ऊष्मा के रूप में ही क्षति होना नॉन रेडिएटिव प्रोसेस कहलाता है। तो इसी ल्यूमिनेसेंस सेंटर में क्या होता है, इसका जो एनर्जी लेवल आगे मिलकर ई, एक दूसरे से ई पर ये क्या है, टकराते हैं, जिसे हम ई नाम दिए हैं, इसका पोटेंशियल एनर्जी। इस पॉइंट पर आकर या तो इलेक्ट्रॉन अपने ग्राउंड स्टेट पर या तो ऊर्जा में जब ये ऊपर चले जाते हैं, फिर अपने ग्राउंड स्टेट पर वापस आ जाते हैं, जीरो लेवल पर, वाइब्रेशनल लेवल पर वापस आते हैं, तो इनकी जो ऊर्जा में क्षति हो जाती है, जिसे नॉन रेडिएटिव कहेंगे। जबकि ये इस यहाँ से वो बाहर चले जाएंगे तो क्या हो जाता है, उनकी ऊर्जा जो है क्षति हो जाएगी, जिससे कि कोई भी प्रकाश उत्पन्न नहीं होगा। तो आगे इसमें ये देखते हैं कि जो ल्यूमिनेसेंट फॉस्फोर जो होते हैं उनमें क्या होता है। ल्यूमिनेसेंट फॉस्फोर ऐसा मटेरियल होता है जिससे कि प्रकाश उत्पन्न होता है। तो ल्यूमिनेसेंट फॉस्फोर में ये ऐसे मटेरियल रखते हैं जिसे हम कहते हैं सेंसिटाइजर और एक्टिवेटर। तो सेंसिटाइजर जो होता है, सेंसिटाइजर क्या करता है, एक्साइटेड होकर सेम एनर्जी लेवल, जैसे यहाँ पे हम देख लेंगे, इनका जो एनर्जी लेवल होता है, जैसे यहाँ पर देखते हैं सेंसिटाइजर और यहाँ पर देखते हैं हम एक्टिवेटर। तो सेंसिटाइजर क्या होता है, ये दोनों का एनर्जी लेवल सेम होता है। सेंसिटाइजर जब एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है तो एब्जॉर्ब करने के बाद में अपने एक्साइटेड E0 से E1 पर चला जाता है। जब ये एक्साइट होकर E1 पर चला जाता है तो ये क्या करता है, अपने एनर्जी को एक्टिवेटर को दे देता है, और एक्टिवेटर फिर क्या करता है, एक्टिवेटर उसको फिर से एब्जॉर्ब करके, इस एनर्जी को एब्जॉर्ब करके वो हायर स्टेट पर चला जाता है, जिसे हम E0 टू
ईवन कहेंगे। तो इसी के दौरान सेंसिटाइजर एनर्जी अब्जॉर्ब करके एक्साइटेड स्टेट में गया, एक्साइटेड स्टेट से फिर से वो इंटरक्रॉसिंग सिस्टम के द्वारा एक्टिवेटर को एनर्जी दिया और एक्टिवेटर फिर उसको क्या करता है, एनर्जी को एब्जॉर्ब करके ल्यूमिनेसेंस देता है। ल्यूमिनेसेंस यानी प्रकाश उत्पन्न करता है। इस अवस्था में इसके प्रकाश का क्षति नहीं होता है, प्रकाश उत्पन्न होता है, जिसे हम कहते हैं ल्यूमिनेसेंस। कई बार क्या होता है कि कुछ मटेरियल ऐसे होते हैं जो कि ल्यूमिनेसेंस पॉइजनिंग का काम करते हैं, और उस अवस्था में क्या होता है, इनकी ऊर्जा में क्षति हो जाती है, और ऊर्जा में क्षति होने के कारण ये प्रकाश नहीं उत्पन्न कर पाते। तो जैसे कि आयरन 2+, Fe2+, Nc2+ और कोबाल्ट, ऐसे मटेरियल का उपयोग फॉस्फोर मटेरियल के बनाने के लिए या प्रिपरेशन के लिए हमको यूज़ नहीं करना चाहिए। तो आज हमने क्या देखा कि जो कॉन्फ़िगरेशनल मॉडल सिस्टम होते हैं उनमें अलग अलग वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल होता है, ये रेडिएटिव प्रोसेस होते हैं, नॉन रेडिएटिव और नॉन रेडिएटिव प्रोसेस होते हैं। तो नॉन रेडिएटिव प्रोसेस में ल्यूमिनेसिंग प्रॉपर्टी जो है नहीं होती है, जबकि रेडिएटिव प्रोसेस में ल्यूमिनेसिंग प्रॉपर्टी होती है। तो जो इसका जो ऊर्जा का जो लेवल होता है, इनका वेवलेंथ जो होता है हमेशा एब्जॉर्ब्ड वेवलेंथ से अधिक होता है, क्योंकि एब्जॉर्ब्ड वेवलेंथ जो होती है उसकी एनर्जी अधिक होती है, जिसके कारण उसका वेवलेंथ कम होता है, जबकि जो इमिटेड रेडिएशन होता है उसकी एनर्जी कम होती है और वेवलेंथ ज़्यादा होता है। क्योंकि वो इमिट होती है तो इसलिए कुछ मात्रा में ऊर्जा का वास वो पहले से हो जाता है, जिसके कारण जो इमिटेड एनर्जी है वह कम होती है और उसका वेवलेंथ ज़्यादा होता है। थैंक यू वेरी मच। यदि आप लोग का आज का टॉपिक समझ में आया है तो आप लोग मुझे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, सजेशन दे सकते हैं, और थैंक यू।